नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के ऐलान की, कांग्रेस की बड़ी बैठक की। देखेंगे ब्रॉडकास्ट बिल पर बैकफुट पर आई मोदी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को लगी फटकार को, जानेंगे कैसे केजरीवाल बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिनभर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने डॉक्टर के साथ उत्पीड़न मामले को सौंपा सीबीआई को, राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को ट्रांसफर करेगी केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड। दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद में नया मोड़, एलजी ने आतिशी की जगह कैलाश गहलोत के नाम को दी मंजूरी, सीएम केजरीवाल चाहते थे आतिशी फहराए झंडा। बिहार को विशेष पैकेज को लेकर कांग्रेसी विधायक आनंद शंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश आज भी गिरा सकते हैं एनडीए सरकार, राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 692 अंकों की गिरावट के साथ 78,956 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 208 अंकों की गिरावट के साथ 24,143 पर क्लोज हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अडानी और सेवी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, और इस बार ईडी भी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने देश भर में बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने तो सेबी प्रमुख को पद से हटाए जाने को लेकर मुहिम ही छेड़ रखी है, और अब इसी को लेकर कांग्रेस ने 22 अगस्त को पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने 22 अगस्त को देश के हर राज्य की राजधानी में स्थित ईडी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया है। इस दौरान कांग्रेस सेबी चेयरपर्सन के इस्तीफे की भी मांग करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। बता दें कि राहुल गांधी ने भी हिंडनबर्ग मामले को लेकर बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि संसद के बाद अब सड़क पर भी कांग्रेस मोदी सरकार से आर पार के लिए कमर कसकर तैयार है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार घिरती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक की जानकारी साझा की, जिससे साफ है कि कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। एक बार फिर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि संसद के बाद अब कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को सड़क पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट करते हुए मीटिंग की जानकारी साझा की। खड़गे ने लिखा, हमने चुनावी तैयारियों के लिए संगठनात्मक मामलों और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए AICC महासचिवों और प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई। बेलगाम बेरोजगारी और अनियंत्रित मुद्रा स्फीति और घरेलू बचत में कमी जैसे गंभीर मुद्दे पर हमारा ध्यान केंद्रित है। गरीबों और मध्यम वर्ग को धोखा दिया गया है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जातीय जनगणना लोगों की मांग है। कांग्रेस पार्टी हमारे किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हमारे देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निपथ योजना को खत्म किया जाना चाहिए। ट्रेनों का पटरी से उतरना आम बात हो गई है, जिससे करोड़ों यात्रियों को परेशानी होती है। जलवायु संबंधी आपदाएं और ढहता बुनियादी ढांचा भी चिंता का कारण है। हम इन मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान तैयार करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने का रोड मैप तैयार कर लिया है, और AICC की इस मीटिंग के बाद अब कांग्रेस संसद के बाद सड़क पर भी मोदी सरकार की घेराबंदी करने के लिए कमर कसकर तैयार है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। एक तरफ जहां विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी है, तो वहीं अब मोदी सरकार को संसद में बिल पास कराने में पसीने छूट रही हैं। और अब ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला कर लिया है। तो आखिर क्यों इस बिल पर अपने पैर खींचने को मजबूर हो गई है मोदी सरकार। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बिल को सदन में पास न करवा पाने के बाद अब मोदी सरकार एक और बिल को लेकर बैकफुट पर आ गई है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेने का फैसला लिया है। बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद से ही ऑनलाइन मीडिया को मोदी सरकार की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, जिस पर लगाम लगाने के लिए अब मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई थी।
मीडिया और सोशल मीडिया पर नकेल कसने के इरादे से तैयार किए गए इस बिल को सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से कुछ और राय शुमारी करने का बहाना देकर 15 नवंबर तक टाल दिया है। लेकिन इस बहाने के पीछे की असली वजह कुछ और ही मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर इंडिया गठबंधन के लगातार विरोध को देखते हुए मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास न करवा पाने से बीजेपी के बचे खुचे आत्मविश्वास को भी गहरी चोट लगी है। इसलिए सरकार ने फिलहाल इस बिल को वापस लेना ही बेहतर समझा है। विपक्ष के दबाव में ब्रॉडकास्ट बिल पर केंद्र की एनडीए सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो वहीं महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने बड़ी चेतावनी भी दी है, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार घबराई हुई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में मुआवजे के लिए उचित राशि न देने पर महाराष्ट्र राज्य को कड़ी फटकार लगाई, जिसमें राज्य ने लगभग 6 दशक पहले एक व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इसके बदले में उसे अधिसूचित वन भूमि आवंटित कर दी थी। कोर्ट ने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन खोने वाले व्यक्ति को उचित मुआवजा नहीं देती है तो वो लाडली बहना जैसी योजनाओं को बंद करने का आदेश देगी और अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि पर बने ढांचों को गिराने का निर्देश देगी। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट को हल्के में मत लीजिए, आप कोर्ट के आदेश को लापरवाही से नहीं ले सकते हैं। आपके पास लाडली बहना योजना के लिए पर्याप्त पैसा है। आज के अखबार में पढ़ा, सारा पैसा मुफ्त दिया गया। आपको जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए थोड़ा हिस्सा देना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए बुधवार तक का समय दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पूर्वजों ने 1950 में पुणे में 24 एकड़ जमीन खरीदी थी, जो राज्य सरकार ने 1963 में कब्जा ली। याचिकाकर्ता ने जमीन मांगी तो सरकार ने बताया कि जमीन रक्षा मंत्रालय के आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान संस्थान यानी ARDEI को दे दी गई है। सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ता को दूसरी जमीन दी है, लेकिन वो वन भूमि थी। इसी मामले पर मुआवजा मांगा गया, जिसके बाद से शिंदे सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा दिया है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद केजरीवाल की रिहाई की उम्मीदें जताई जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी की परेशानी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। CBI मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने एक जमानत याचिका भी दाखिल की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। 20 अगस्त को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट का ये फैसला बीजेपी की परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हालिया रवैया, कोर्ट ने बीते कुछ वक्त में जमानत पर जोर देते हुए कई अहम टिप्पणी की है। जमानत को नियम बताया है तो जेल को अपवाद, और आप नेता मनीष सिसोदिया को तो जमानत भी दे दी। केजरीवाल को भी ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब CBI मामले में भी जमानत मिलने की तो उम्मीद जताई ही जा रही है, लेकिन चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि गिरफ्तारी पर भी कोर्ट केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुना सकता है, जो ना सिर्फ CBI बल्कि बीजेपी के लिए भी झटका साबित होगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव नजदीक है। ऐसे में केजरीवाल का बाहर आना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। केजरीवाल की रिहाई बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, तो वहीं अजीत पवार भी NDA को झटका देने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। NCP प्रमुख अजीत पवार ने अब अपने ही फैसले से पलटी मारी है। उन्होंने अपने फैसले को गलत बताया है। तो क्या था वो फैसला जिसे लेकर अब अजीत पवार को हो रहा है पछतावा, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में फिलहाल चुनावी हलचल तेज है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। इस बीच NCP प्रमुख अजीत पवार का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। अजीत पवार ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पत्नी और बहन को आमने सामने लाना गलत कदम था। दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती सीट से NCP अजित गुट से अजित पवार की पत्नी सुनीत्रा पवार मैदान में थी, तो NCP शरद गुट की तरफ से सुप्रिया सुले मैदान में थी। इस सीट पर तो सुप्रिया सुले को जीत मिली ही, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र की अन्य सीटों पर भी अजित पवार को झटका ही लगा। 4 में से केवल 1 सीट पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की,
और अब विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार के इस यू टर्न ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अजित पवार ने आगे कहा है कि राजनीति की अपनी जगह है और इसे घर के भीतर नहीं घुसाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो रक्षाबंधन के दौरान बारामती में होते हैं तो वो निश्चित रूप से अपनी बहन सुप्रिया सुले से मिलेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक से अजित पवार के तेवर शरद पवार के लिए इतने नरम कैसे हो गए? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी एकजुट हो जाएगी? अगर ये सच हुआ तो चुनाव से पहले ये एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। एक तरफ एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है तो वहीं शेख हसीना की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। खबर है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश वापस लौटती हैं तो उनकी पूरी जिंदगी जेल में कट सकती है। शेख हसीना के खिलाफ एक शख्स की जान लेने का मामला दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी उनकी मुसीबतें बढ़ती नहीं दिखाई दे रही हैं। इस बीच शेख हसीना के खिलाफ किसी की जान लेने का मामला दर्ज किया गया है। 19 जुलाई को ढाका में हुई पुलिस गोलीबारी में अबू सईद की जान चली गई थी। अब इस मामले में शेख हसीना और उनकी पार्टी के 6 नेताओं को आरोपी बनाया गया है। माना यह जा रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश लौटने से रोकने के लिए ये मामला दर्ज किया गया है। फिर भी शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटती हैं तो बची जिंदगी उनको जेल में बितानी पड़ सकती है। दरअसल 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस गोलीबारी में किराने की दुकान के मालिक अबू सईद की जान चली गई थी। इस मामले में सिर्फ शेख हसीना को ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के अहम नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। शेख हसीना पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद अब उनकी बांग्लादेश वापसी को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि अगर अब शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उनको जेल में डाला जा सकता है। बता दें कि ये मामला ऐसे वक्त में दर्ज किया गया है जब शेख हसीना पहले से ही मुसीबत में फंसी हुई हैं। छात्र आंदोलन के दबाव में आकर 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके तुरंत बाद वो भारत चली गई थी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। वही लाल किला, वही पीएम, वही मन की बात जैसा भाषण, अब इन सब में एक और परमानेंट आइटम जुड़ गया है। 15 अगस्त से कुछ दिनों पहले ही सड़कों पर करोड़ों रुपए के तिरंगों की बिक्री हुआ करती है। इसका प्रचार पीएम मोदी खुद रेडियो से आकर करते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई इनको खरीदो और अपने अपने घरों पर जाकर लगाओ और मुझे उसकी सेल्फी भी भेजो लगा के। क्या अच्छा नहीं होता महंगाई की मार और करों के जख्मों से करा रही जनता को ये राष्ट्रीय झंडे तो सरकार मुफ्त में दे ही सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।